आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो अफसर गिरी का एक जीता जागता नमूना है। अफसर गिरी का ऐसा भूत चढ़ा कि पूरा डैम ही खाली करवा दिया, लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया। क्या है इसके पीछे की कहानी आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, मैं हूँ अंकिता। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के ग्रामीण इलाकों में एक तरफ जहां भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, सैकड़ों ग्रामीण पेयजल के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी अधिकारी ने अपनी 1.5 लाख रुपए की मोबाइल ढूंढने के लिए डैम का 21 लाख लीटर पानी यूं ही बहा दिया। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर का है, जहाँ पर एक फूड इंस्पेक्टर ने परलकोट जलाशय में अपनी महंगी आईफोन गिरा दी और उसे ढूंढने के लिए डीजल पंप लगाकर डैम का 21 लाख लीटर पानी निकालकर खाली करवा दिया। आईफोन मिल भी गया, लेकिन अब तक वो खराब हो चुका था। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया, साथ ही जल संसाधन विभाग के SDO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। ये पूरा मामला 21 मई का है। फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास दोस्तों के साथ परलकोट बांध गए थे। पार्टी करने के दौरान उनका 1.5 लाख रुपए का मोबाइल पानी में जा गिरा। अगले दिन सुबह आसपास के ग्रामीणों और गोताखोर से मोबाइल की खोज करवाई गई। जब नहीं खोज पाए तो 4 दिन तक पंप के जरिए डैम का पानी बहा दिया गया। इससे 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। इस पूरी मशक्कत के बाद उनका मोबाइल मिल गया। शिकायत के बाद सिंचाई अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद करवाया, लेकिन तब तक 6 फीट पानी निकल चुका था, जो तकरीबन 21 लाख लीटर होता है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कॉमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।